Bismillahir Rahmanir Rahim. This is the 17th lecture for the course of Principles of Communication Systems. Let's see what we did in our previous week. So previously, in the previous week, we covered the topic and the chapter of angle modulation. We haven't finished it yet. We saw what is frequency and phase modulation. We did the mathematical representation and time domain of FM and PM signals and saw how the signals are modulated. Then we saw the spectral characteristics of the angle modulated signals in detail. Afterwards, we saw the implementation of angle modulators and demodulators. So till now, the course which we have covered regarding the angle modulation, it will make you, it will enable you to analyze any concepts in frequency or phase modulation. It will give you an understanding of how an FM or a PM system works and the detailed mathematical analysis that we did will help you in the coming chapters as well when we will see noise analysis. So it is very crucial that you do this chapter very thoroughly, write it down, derive the mathematics yourself. So let's see what we are going to cover this week or in this lecture. So in this lecture, we are going to see the FM radio and TV broadcasting. As told to you earlier, that the TV broadcasting that we will be seeing is a black and white TV broadcasting. Then we will be going to see the mobile wireless telephone systems briefly. So let's start with FM radio broadcasting. So the commercial FM radio broadcasting utilizes this band from 88 to 108 megahertz. ठीक है जी, ये चीज आप लोगों ने अपने रेडियो FM सेट्स पे भी देखी होगी, मोबाइल में, गाड़ी में, कहीं पे भी. ठीक है, सो उसमें हमने बात की थी कि जो आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं, सो फ्रीक्वेंसी बैंड ये हो गया और हर जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो सेपरेटेड होगी बाय 200 किलोहर्ट्ज़ यानी 0.2 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, और जो इसमें पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगी, जिसकी बात हमने लास्ट वीक में की थी, लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में ही की थी रदर, पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपके पास एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में 75 किलोहर्ट्ज़ फिक्स्ड है. और जनरली जो रिसीवर आप यूज करते हैं, जैसे हमने एएम में कहा था कि रिसीवर्स हम सुपर हेटरोडाइन यूज करते हैं. सुपर हेटरोडाइन में क्या है कि आप कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसीज को इनटू एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड देन यू डीमॉड्यूलेट योर सिग्नल. ठीक है जी, सो हेयर अगेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, इसमें भी आपके पास जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा वो सुपर हेटरोडाइन ही होगा, यानी हम अगेन ऐसे कन्वर्ट करेंगे अपनी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे एक फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे. सो अगेन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 10.7 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, प्रीवियसली हमने देखा एएम के केस में 455 किलोहर्ट्ज़ थी, सो इस केस में ये 10.7 मेगाहर्ट्ज होगी. और अगेन क्योंकि बैंडविड्थ आपने हमने ऊपर बात की कि 2 किलोहर्ट्ज़ कैरियर फ्रीक्वेंसी में सेपरेशन है, सो अगेन यहाँ पे जो आपके पास बैंडविड्थ होगी आईएफ स्टेज पे वो 200 किलोहर्ट्ज़ ही रखेंगे. ठीक है, सो 100 किलोहर्ट्ज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑन वन साइड ऑफ द कैरियर एंड 100 ऑन द अदर. अब क्योंकि आपके पास जो मैसेज सिग्नल है ये एम्बेड होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर में. ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है? ठीक है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी उसमें एम्बेड हुई होती है. तो अगर आपके पास कोई भी एम्पलीट्यूड वेरिएशन आए रिसीव्ड सिग्नल पे,
एज अ रिजल्ट ऑफ एडिटिव नॉइज, ठीक है, चैनल से एड अप हुई या इलेक्ट्रॉनिक से एड अप हुई, इसे हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम लिमिट कर सकते हैं रादर। और ये लिमिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ एम्पलीट्यूड लिमिटर, ठीक है, ये आपके जो भी जो नॉइज होगी इन द एम्पलीट्यूड, उसे काफी हद तक ये उसे कंट्रोल कर लेगा। सो अगेन हम एम्पलीट्यूड लिमिटर जो है ये इम्प्लीमेंट करते हैं बाय हार्ड लिमिटिंग द सिग्नल एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी आप एक चेक लगा लेते हैं इससे ऊपर, वी विल डिस्कार्ड अवर एम्पलीट्यूड या व्हाटएवर। सो उसके बाद आपके पास एक बैंड पास फिल्टर आएगा जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे सेंटर्ड होगा, ठीक है, और अगेन वो बैंडविड्थ की बात वही है कि वो 200 किलोहर्ट्ज़ ही होगी, ठीक है जी, और ये आपके पास इंक्लूड होगा लिमिटर पे, ठीक है, इस तरह का जो फिल्टर है। और क्यों इंक्लूड होगा लिमिटर पे, टू रिमूव हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है, जो हार्ड लिमिटर आपने एम्पलीट्यूड लिमिट करने के लिए यूटिलाइज किया है, इसमें आपके पास सर्टन नॉन लिनियरिटीज हैं, ठीक है, इट्स अ नॉन लिनियर डिवाइस या इट्स अ नॉन लिनियर सेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो आपके पास बैंड पास फिल्टर आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, ये इसका मकसद यही है कि उन हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स को रिमूव करना। तो डिस्क्रिमिनेटर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, ये आप पिछले लेक्चर से देख लीजिएगा। सो एक बैलेंस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर देन यूज होता है फॉर फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन। जो आपके पास रिजल्टिंग मैसेज सिग्नल है, इसे हम फिर एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से पास करते हैं जो डीएम्फेसिस और एम्पलीफिकेशन वगैरह करता है। जो आपके पास आउटपुट होगी ऑडियो एम्पलीफायर की, उसे मजीद फिल्टर किया जाता है, ठीक है, लो पास फिल्टर से गुजारा जाता है, ठीक है, सो दैट आपके पास कोई भी अगर आउट ऑफ बैंड नॉइज है तो उसे रिमूव किया जा सके, और देन ऑब्वियसली इट इज देन फेड टू अ लाउड स्पीकर। तो ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है सुपर हेटरोडाइन एफएम रेडियो रिसीवर की, ठीक है जी, यू हैव एन आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है जी, विच इज अगेन उसे आप मिक्सर में फीड करते हैं, मिक्सर में आप लोकल ऑसिलेटर से आपके पास एक फ्रीक्वेंसी, आपके पास एक कैरियर आ रहा है, और आपके पास जो आरएफ एम्पलीफायर है और ये लोकल ऑसिलेटर है, इनकी ट्यूनिंग कॉमन होगी, ठीक है, विद ऑब्वियस रीजंस, ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद आपके पास जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है मिक्सर के बाद आपका सिग्नल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आईएफ एम्पलीफायर आता है, लिमिटर आता है टू लिमिट द एम्पलीट्यूड, ठीक है, नॉइज की वजह से जो भी है, डिस्क्रिमिनेटर आएगा, और डिस्क्रिमिनेटर से आप फिर जिस तरह आप एएम में एजीसी यूज कर रहे थे ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर, उस तरह यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर होगा, फीडबैक यहाँ से जाएगी लोकल ऑसिलेटर टू जनरेट द आरएफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद अगेन ऑडियो एम्पलीफायर और डीएम्फेसाइज करके आप अपने लो पास फिल्टर से गुजारेंगे। ये स्टेप सारे आपने पिछले पेज पे देख लिए, बट देन वी फीड अवर सिग्नल दिस फिल्टर्ड सिग्नल टू द स्पीकर। अब ये थी मोनो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अब देखते हैं स्टीरियो ब्रॉडकास्टिंग क्या चीज होती है। सो आपके बहुत सारे जो एफएम रेडियो स्टेशंस हैं ये म्यूजिक ट्रांसमिट कर रहे होते हैं स्टीरियो में, ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपके पास दो माइक्रोफोन्स होंगे विच विल बी प्लेस्ड एट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेज, ठीक है, और उससे आप यानी दो चैनल्स आप ट्रांसमिट कर रहे होंगे। अब मसला यहाँ पे ये है कि हम चाहते ही हैं कि हम एफएम स्टीरियो ब्रॉडकास्टिंग भी अचीव करें, लेकिन जो आपके पास कन्वेंशनल जो एफएम मोनो ब्रॉडकास्टिंग है उसका रिसीवर भी ये रिसीव कर सके, ठीक है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि ये एक नए सिरे से एक डिफरेंट दो रेडियो सेट्स हों जी स्टीरियो है या मोनो है, ठीक है, इट्स द मोनो रिसीवर शुड ऑल्सो बी एबल टू रिसीव दिस स्टीरियो ब्रॉडकास्टिंग, ऑल्दो उसका जो फिर आउटपुट होगी वो मोनो होगी, बट स्टिल इट शुड बी बैकवर्ड कंपैटिबल। अच्छा अब इसमें दो आपके पास सिग्नल्स आ गए, ठीक है, एक लेफ्ट
हम एक को कह देते हैं एक लेफ्ट माइक्रोफोन से आ रहा है, एक राइट माइक्रोफोन से आ रहा है, ठीक है जी। और उन्हें हम अकॉर्डिंगली एम एल और एम आर ऑफ टी कह देते हैं, दो मैसेज सिग्नल्स हैं। अब किया क्या जाता है कि इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक दूसरे से। जो सम है सिग्नल का, जो राइट और लेफ्ट चैनल्स हैं, ये उसी तरह आप भेज देते हैं, ठीक है। और इट ऑक्यूपाइज द फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रॉम 0 to 15 kHz, ठीक है। ये आपके पास पहली चीज आ गई। अब जो डिफरेंस है आपके पास सिग्नल का एम वन माइनस एम एल माइनस एम आर का, ये आप डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर पे मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। उस टेक्निक से मॉड्यूलेट करते हैं, एक 38 kHz का कैरियर लेते हैं, और दिस इज बेसिकली द कैरियर फ्रीक्वेंसी, इन दिस केस डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के लिए। अभी हमने एफएम नहीं किया, ठीक है, अभी हम उसे तैयार कर रहे हैं फॉर एफएम, स्टीरियो ब्रॉडकास्टिंग की इनिशियल्स हम देख रहे हैं। सो एक 38 kHz का आप कैरियर जनरेट करते हैं, और ये आप जनरेट करते हैं फ्रॉम अ 19 kHz ऑसिलेटर, ठीक है। यानी आपने 19 kHz का ऑसिलेटर से एक सिग्नल जनरेट किया जो बेसिकली 19 kHz पे ही ऑसिलेट कर रहा होगा, और देन उसे फ्रीक्वेंसी डबलर से गुजारेंगे ताकि आपके पास ये कैरियर सिग्नल 38 kHz का आ जाए। अब एक पायलट पायलट टोन जो होगी इस केस में, वो एक बजाय 38 kHz के, वो वही 19 kHz की होगी, ठीक है। वो जो ओरिजिनल ऑसिलेटर की आउटपुट थी वो हम भी इंसर्ट कर देंगे इस सिग्नल में। हम देखेंगे अभी कि क्यों हम 19 kHz की टोन भेजते हैं इंस्टेड ऑफ 38 kHz की टोन के। इसमें ये चीज जरूरी है याद रखना कि इसी 19 kHz को हम डबल करके 38 पे जाते हैं। सेम सिग्नल वही होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप उसी डबल कर देंगे, ऑसिलेटर यानी वही होगा। अच्छा, ये 19 kHz की जो पायलट टोन है, ये फिर हम ऐड कर देते हैं अपने जो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है, हम सिग्नल है उसमें। और रीजन बिहाइंड एडिंग दिस 19 kHz पायलट टोन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल 38 kHz इज दिस, के पायलट बड़ी यहाँ से बड़ी आसानी से सेपरेट हो जाएगा कंपोजिट सिग्नल से, ठीक है। और देन वो जो कंबाइंड सिग्नल है, इट इज यूज टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर कैरियर। यानी ये सारा कुछ आपके पास जो लेफ्ट और राइट आपने चैनल सम किए, सब्ट्रैक्ट किए, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, एएम मॉड्यूलेशन की उनकी, इस सारे को आप फिर एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से गुजार देते हैं, और दिस इज योर स्टीरियो एफएम। अच्छा, अगेन वही बात है कि आपके पास अगर जो बेस बैंड सिग्नल है उसे एज एफडीएम सिग्नल के तौर पे कॉन्फ़िगर करके एक मोनोफोनिक, जो जिस तरह हम यहाँ पे स्टीरियो की बात कर रहे हैं, इस तरह मोनो चैनल या सिंगल चैनल एफएम रिसीवर भी ये चीज रिकवर कर सकता है। और वो कौन सा पार्ट रिकवर करेगा? वो ये वाला पार्ट रिकवर करेगा, एम एल प्लस एम आर, ठीक है। ये कन्वेंशनल एफ एम डीमोडुलेटर भी यानी बैकवर्ड कंपैटिबल है। अगर एफ एम स्टीरियो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ये एएम स्टीरियो एफ एम मोनो ब्रॉडकास्टिंग के रिसीवर पे भी काम करेगा, ठीक है। सो इट इज स्टीरियो ब्रॉडकास्टिंग इज कंपैटिबल विद द कन्वेंशनल एफ एम। और अगेन यहाँ पे वही बात के जो रिजल्टिंग एफ एम सिग्नल होगा, इट डज नॉट एक्सीड दिस 200 kHz बैंडविड्थ, ठीक है जी। सो जो डी मॉड्यूलेटर की जब हम बात करते हैं स्टीरियो एफएम की, तो बेसिकली इट इज द सेम एज द कन्वेंशनल एफएम डी मॉड्यूलेटर, कहाँ तक, जहाँ तक हमने डिस्क्रिमिनेटर की, एलिमिटर की बात की है, ठीक है, वहां तक ये सेम होगा। उसके बाद ये चीजें थोड़ी सी एडिशनल हार्डवेयर होगा। सो रिसीव्ड सिग्नल आपके पास बेस बैंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, फॉलोइंग द डिस्क्रिमिनेटर आपके पास। उसके बाद क्या होता है कि बेस बैंड सिग्नल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास वही जो आपने मॉड्यूलेट करके भेजा था, राइट और लेफ्ट चैनल्स का सम, और दूसरा लेफ्ट और राइट चैनल्स का डिफरेंट डिफरेंस, और इसे पास किया जाता है थ्रू अ डी एम्फेसिस फिल्टर। अब ये जो डिफरेंस सिग्नल है, ये ऑब्टेन किया जाता है आपके पास वही जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल से, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम एक सिंक्रोनस डीमोडुलेटर यूज कर रहे होंगे, और सिंक्रोनाइजेशन किससे कर रहे होंगे, बाय यूजिंग दैट पायलट टोन।
क्योंकि फेज तो दोनों का सेम है ना, वो 19 किलो हर्ट्ज की टोन थी और उसी को आपने डबल किया तो 38 की बन गई। सो और ट्रांसमिट आपने 19 की, सो हमें 19 का फेज, सो वही पायलट टोन एक्सट्रैक्ट करें, उसे अगेन एक फ्रीक्वेंसी डबलर से गुजारें तो आपके पास ओरिजिनल वो वाली टोन आ जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल 38 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। अब सम और डिफरेंस लेते हैं आप इन दोनों कंपोजिट सिग्नल्स का, ये जो हमने ये लेफ्ट और राइट चैनल से रिसीव की है, और देन यू रिकवर द टू सिग्नल्स, यानी लेफ्ट चैनल और राइट चैनल अलग अलग हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम एक फिगर देखेंगे, उसमें मजीद ये आपको क्लियर हो जाएगा। और देन उसके बाद ये ऑडियो सिग्नल आप एक ऑडियो एम्पलीफायर से गुजारते हैं, और जो अब आपके पास दो आउटपुट्स होंगी विच विल ड्राइव द डुअल स्पीकर्स। सो पहले मैंने बात भी की थोड़ी देर पहले, हमने ऊपर भी देखा कि एक एफएम रिसीवर जो कॉन्फ़िगर नहीं होता टू रिसीव एफएम स्टीरियो, वो एक बेस बैंड सिग्नल एम एल प्लस एम आर देख रहा होगा इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 0 to 15 किलोहर्ट्ज़। सो वो सिर्फ फर्क इतना होगा कि वो आपके पास मोनोफोनिक आउटपुट जनरेट करेगा इंस्टेड ऑफ स्टीरियो आउटपुट, ठीक है जी। सो दिस इज एफएम स्टीरियो ट्रांसमीटर, आपके पास लेफ्ट चैनल है राइट चैनल है, आपने क्या किया, लेफ्ट चैनल आया ये एक आपके पास यहाँ पे एडिशन हुई लेफ्ट, और ये यहाँ से राइट चैनल आया, प्री एम्फेसिस फिल्टर से गुजारा। अच्छा ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल ऑफ टी प्लस एम आर ऑफ टी, ठीक है, राइट ऑफ और लेफ्ट का सम आ जाएगा यहाँ पे, ये जो लाइन है आपके पास यहाँ पे इधर पर, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली ब्रांच पे देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास आप क्या कर रहे हैं, एम एल ऑफ टी सब्ट्रैक्ट एम आर ऑफ टी सब्ट्रैक्ट हो रहा है एम एल ऑफ टी से यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव साइन देख लें। उसके बाद अगेन यहाँ पे जो आपके पास चीज आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, एम एल माइनस एम आर, ठीक है जी, प्री एम्फेसिस फिल्टर से आपने गुजारा। उसके बाद हम सिर्फ ये जो एम एल माइनस एम आर है इसकी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन करते हैं, और ये मॉड्यूलेशन कहाँ से हो रही है, ये आपके पास एक पायलट आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, ये कितने का, ये ऑसिलेटर 19 किलोहर्ट्ज़ का होगा, ठीक है, ये 19 किलोहर्ट्ज़ का हो गया। सो इस 19 के किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को देन आप एक फ्रीक्वेंसी डबलर से गुजारते हैं, तो आपके पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एएम के लिए वो 38 किलोहर्ट्ज़ होगी। सो ये एमएल माइनस एमआर मॉड्यूलेट हुआ, एएम मॉड्यूलेट हुआ विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 38 किलोहर्ट्ज़, और देन अगेन ये यहाँ से जा रहा है इधर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्नल आपके पास सम हुए ये, और ये वाला सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली ये सिग्नल नहीं होगा, ये सिग्नल मॉड्यूलेटेड होगा। सो इस चीज की आउटपुट और यहाँ से एम एल प्लस एम आर ये मॉड्यूलेट, ये दोनों आपस में सम हुए। अब अगेन ये दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हैं, जो एम एल प्लस एम आर है ये वाला जो ऊपर वाला ये 0 to 15 किलोहर्ट्ज़ पे होगा, ठीक है, और जो ये वाला सिग्नल है ये हमने देखा कि ये नीचे वाला ये 38 किलोहर्ट्ज़ पे मॉड्यूलेटेड होगा, 38 किलोहर्ट्ज़, ठीक है जी। और इन दो सो ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में सम होंगे, लेकिन एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सम होने के बाद अगेन आपने यहाँ पे पायलट टोन जो 19 किलो हर्ट्ज का सिग्नल था वो भी आपने इंसर्ट किया, ये सारी चीजें ऐड अप हुई, और फिर आप इसकी मॉड्यूलेशन कर देते हैं एफएम मॉड्यूलेशन। देखने में ये कुछ इस तरह की चीज लगेगी, ये आपके पास लेफ्ट और राइट चैनल का सम है, ये आपके पास वो टोन है 19 किलो हर्ट्ज की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है, यानी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है, रदर ओके सो जो इंफॉर्मेशन आपके पास हुई जिस तरह पहले हमने बात की कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी होगी, ठीक है, वो जो हमने देखे थे आपके पास अपर और लोअर साइड बैंड, सो वही वाली कहानी यहाँ पे भी होगी, 2W आप यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ देख लें,
इस साइड पे क्या है, अगेन यहाँ पे भी 15 किलो हर्ट्ज है, 15 और 15 ये है, ठीक है, क्योंकि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है सर, 2W आपकी बैंड विड्थ यूज हो रही होगी, यहाँ पे आप 15 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास डबल होगी इसके। सो अब ये बात देखें कि हमने पायलट टोन 38 वाली इंसर्ट नहीं की, रीजन क्या था कि इसे फिल्टर आउट करने में आपको इश्यू आने थे, बहुत चार कट ऑफ वाला फिल्टर चाहिए होगा, अगेन उसमें कुछ ये मैसेज सिग्नल की भी चीजें आ रही होंगी, तो इंस्टेड ऑफ दैट हमने ये वाला जो पायलट है ये हमने इंसर्ट किया यहाँ पे, ये बड़ा आसान होगा फिल्टर आउट करना, ठीक है, इसके आसपास कोई सिग्नल नहीं है, अकेली ये 19 किलोहर्ट्ज़ की टोन है, ठीक है जी। ये था आपके पास ट्रांसमीटर, अब ये आपके पास है स्टीरियो रिसीवर। हमने बात की कि यहाँ से जो पीछे वाली चीजें हैं ये जिस तरह हमने मोनो में एफएम में बात की, ठीक है, उस तरह की होंगी, डिस्क्रिमिनेटर से आगे आपके पास चीजें चेंज होंगी। सो सिग्नल आईएफ स्टेज से आया, आईएफ एम्पलीफायर के बाद एफएम डिस्क्रिमिनेटर पे गया, वहां से आपके पास पहले बात कर लेते हैं जो टॉप पे चीज जा रही है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, लो पास फिल्टर से गुजारा, तो वो जो इनिशियल आपके पास एक आ रहा था 0 से 15 वाला, यहाँ से वो फिल्टर आउट होके आ जाएगा और उसे आपने डीएम्फेसाइज किया, आउटपुट आपके पास क्या थी उसमें, एमएल प्लस एमआर थी, वो आपने अलादा कर ली, ठीक है यहाँ तक। अब जाते हैं मिड वाली स्टेज पे, आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअली एक नैरो बैंड ट्यून फिल्टर लगा रहे हैं 19 किलोहर्ट्ज़ का टू एक्सट्रैक्ट यूर, इससे आपके पास उस सिग्नल से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी वो पायलट टोन। पायलट टोन एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी डबलर से गुजार दी और फ्रीक्वेंसी डबलर में 38 किलोहर्ट्ज़ की आपके पास एक टोन जनरेट करवा दी और ये आप वो मॉड्यूलेटर को फीड, डी मॉड्यूलेटर को फीड कर रहे हैं। सबसे जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक बैंड पास फिल्टर लगाया 23 से 53 किलोहर्ट्ज़ तक, यहाँ पे वो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वाली चीज है, इंफॉर्मेशन है, एमएल माइनस एमआर है। सो उसे आपने एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन की उसकी सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर से और डीएम्फेसाइज किया। सो यहाँ पे जो अब आपके पास चीज आ रही है वो क्या आ रही है, एमएल माइनस एमआर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से एमएल प्लस एमआर आ रहा है, यहाँ पे एमएल माइनस एमआर आ रहा होगा, माइनस एमआर। सो एक रूट ये वाला एमएल माइनस एमआर आया और इस चीज के साथ एड अप हो गया, तो एम आर एम आर कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, एम एल, यहाँ से ऊपर से ये वाला एम एल प्लस एम आर आया यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये वाला सिग्नल सब्ट्रैक्ट हुआ फ्रॉम दिस वन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एम एल प्लस एम आर माइनस एम एल प्लस एम आर, यानी आउटपुट आपके पास राइट जो चैनल है वो आ गया और आ गया, देन आप ऑडियो एम्पलीफायर को ये फीड कर देते हैं विच इज यूज टू ड्राइव योर स्पीकर्स, ठीक है। सो दिस इज द एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू डीमॉड्यूलेट एफएम स्टीरियो सिग्नल, ठीक है जी, ये उसका रिसीवर आ गया। अच्छा अब बात करते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, और जैसा कि आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के हम जो देख रहे होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्रांसमिशन देखेंगे, ठीक है जी। सो वैसे पहले कुछ हिस्ट्री के, आपके पास जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्रांसमिशन थी ये 1936 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, बीबीसी ने स्टार्ट की थी ये। कलर टेलीविजन डेमोन्स्ट्रेशन तो कुछ अर्से बाद हो गई थी, लेकिन कलर टेलीविजन जो कमर्शियल कलर टेलीविजन है इस पर कुछ अर्सा लगा मार्केट में आने पर ड्यू टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिसीवर, ठीक है। सो रिसीवर की कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपके पास व्यूअर्स नहीं होंगे, व्यूअर्स नहीं होंगे तो खैर यू नो ब्रॉडकास्टिंग से ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू नहीं आएगा। सो एनी उसके बाद जब आपके पास माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और ये ट्रांजिस्टर वगैरह आया तो देन थिंग्स सिचुएशन चेंज एंड दिस कलर टेलीविजन वॉज उसकी जो प्राइस रिसीवर की हुई वो रिड्यूस हो गई काफी अंदर इट वाज इंट्रोड्यूस। सो एनी अभी हम बात करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट की। सो जो फ्रीक्वेंसीज एलोकेट होती हैं आपके पास टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो वीएचएफ और यूएचएफ बैंड्स में होती हैं, ठीक है, वी विल सी दीज बैंड्स इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। और
जो बैंडविड्थ हमने पहले भी बात की थी वीडियो सिग्नल के लिए, इट इज 6 MHz। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में तो स्टैंडर्डाइज थी चीजें, अलबत्ता जो आपके पास टेलीविजन सिग्नल है ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होगा। आपने देखे होंगे स्टैंडर्ड्स, टीवी अगर आप अपना देखें तो NTSC, PAL, एंड देन देर आर सेवरल वेरियंट्स ऑल्सो, ठीक है। सो इस किस्म की डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। अच्छा, सो दिस इज द चैनल एलोकेशन, जो फ्रीक्वेंसीज आप VHF और UHF में यूज करते हैं। सो यू हैव बी जब आपने अगर केबल लगा के या अपने टेलीविजन का जब ट्यून करें तो वो सारे इन चैनल से इन फ्रीक्वेंसीज को स्कैन कर रहा होगा। VHF वो डिफरेंट उन्हें नाम दे रहा होगा, VHF लो, VHF हाई एंड सो ऑन। एनी हाउ वो जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो 54 MHz से 72 MHz, देन कुछ बैंड, डिफरेंट बैंड है ये देख लीजिएगा, ठीक है। UHF फाइनली आपका 472-896 MHz पे आएगा। अच्छा, ये जो नीचे आपको वेव फॉर्म्स बनी हुई नजर आ रही है ये जरा गौर से देख लें, ठीक है। ये आगे दोबारा ये फिगर रिपीट भी मैं करूंगा क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक्चुअली सिग्नल वेव फॉर्म्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के लिए है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको ये चीजें पता लग जाएंगी, सिर्फ नोट डाउन कर लें इन्हें अपने पास ताकि आप समझने में आसानी हो, ठीक है। ये चीजें अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। ये टाइम्स इन वेव फॉर्म्स के, ठीक है, ये चीजें अपने पास नोट डाउन कर लें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो आपके पास पहला स्टेप है टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन में, इट इज टू कन्वर्ट द विजुअल इमेज इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऑब्वियसली विजुअल सिग्नल को आप ट्रांसमिट कैसे करेंगे, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये जो दो टू डायमेंशनल इमेज होगा, इमेजेस और टू डायमेंशनल स्पेशल डायमेंशन होती हैं दो, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू अ वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय सिक्वेंशली स्कैनिंग द इमेज एंड प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी आप स्कैन कर रहे होंगे उस इमेज को लाइन बाय लाइन, और हर लाइन के कोरिस्पॉन्डिंग एक आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा होगा, विच इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस लेवल ऑफ द इमेज। हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई RGB चैनल्स वाली बात नहीं होगी। सो ये जो स्कैनिंग होती है लाइन बाय लाइन, इट इज परफॉर्म्ड बाय द टीवी कैमरा, ठीक है। जो ऑप्टिकली फोकस करेगा आपके इमेज को एक फोटो कैथोड ट्यूब पे, जिसमें फोटो सेंसिटिव सरफेस होगी एंड सो विच विल कन्वर्ट योर दिस इमेज इनटू अ सिक्वेंशियल सिग्नल। अच्छा, आपके पास जो इमेज है इट इज स्कैन बाय इलेक्ट्रॉन बीम, और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये एक आउटपुट देगा करंट या वोल्टेज की फॉर्म में, विच इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, और रिजल्टिंग जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा इसे हम वीडियो सिग्नल भी कहते हैं। जो आपके पास स्कैनिंग है इलेक्ट्रॉन बीम की, ये दो वोल्टेजेस से कंट्रोल की जाती है, ठीक है, क्रॉस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये दो वोल्टेजेस वही हैं जो अभी हमने वेव फॉर्म्स थोड़ी देर पहले ऊपर देखी थी, ठीक है। और अब स्कैनिंग होती कैसे है? सो स्कैनिंग होती ऐसे कि जो आपके पास इमेज है उसे 525 लाइंस में डिवाइड किया जाता है, एक सिंगल फ्रेम के लिए, ठीक है। यानी एक सिंगल जो पिक्चर होगी स्टैटिक पिक्चर, उसे 525 लाइंस में आप डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। और जो आपके पास रिजल्टिंग सिग्नल आएगा ये 1/30 यानी 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस हैं ये डिटरमिन करती है पिक्चर की रेजोल्यूशन। अभी तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, रेजोल्यूशन वगैरह और एस्पेक्ट रेशियो एटसेट्रा, ये हम बात भी करेंगे। इमेजेस आपने देखे हैं एटलीस्ट अपने, जो आपके पास अपना लैपटॉप वगैरह है या उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आप देखते होंगे, गेमिंग के लिए आपको सेट करनी पड़ती है एंड सो ऑन। सो एनी और ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, हम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो
ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं ये आपकी पिक्चर रेजोल्यूशन इन केस ऑफ दिस टीवी सिग्नल रिप्रेजेंट करती हैं, और जो आप ट्रांसमिशन रेट होगा इसे अगर कंबाइन कर लें पिक्चर रेजोल्यूशन के साथ, तो ये आपका चैनल बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट होगी वो बताएगा। हम थोड़ी देर में ये भी देख लेंगे। सो दिस इज द स्कैनिंग पैटर्न। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो दो डिफरेंट लाइंस नजर आ रही हैं, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है जी। सो स्कैनिंग पैटर्न फॉर नाउ सिर्फ एक का देख लें कि ये स्कैनिंग पैटर्न, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसमें ये चीज भी देख लें कि फर्स्ट फील्ड जो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड आपके पास इवेंचुअली यहाँ पे होगी, और सेकंड ये जो डॉटेड लाइन है जो ट्रेस है ये इसकी स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है। ये हम देखेंगे हम क्यों दो इंटरलेस पैटर्न्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सो टोटल इस केस में आपके 485 लाइंस होंगी इन द पिक्चर। अच्छा, नाउ ट्रांसमिटिंग अ कंप्लीट इमेज इन 30 फ्रेम्स पर सेकंड इज जनरली नॉट फास्ट इनफ, ठीक है। वो फ्लिकर आपको नजर आता होगा अक्सर, ठीक है, वो इसी वजह से है कि जो आपके पास अगर 1/30 फ्रेम्स पर सेकंड से हायर है रेट, तो आपकी जो आंख है इट वॉन्ट बी केबल केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग दैट कि स्कैनिंग हो रही है या पिक्चर फ्लिकर हो रही है। लेकिन अगर 1/30 सेकंड है तो एक एवरेज व्यूअर उसे फ्लिकर नजर आ रहा होगा। अभी भी अगर आप मोबाइल से कभी टीवी की पिक्चर लें तो यू विल सी दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। उसमें यही रीजन है कि आपके पास जो सिंक्रोनाइज नहीं होते दोनों के जो रेट्स हैं, ठीक है, सैंपल रेट्स हैं, इस वजह से आपको मोबाइल से अगर आप टीवी की पिक्चर लें तो यू विल बी एबल टू सी दोस फ्लिकर्स। तो टू ओवरकम दिस फ्लिकर थिंग, अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड पे फिगर देखा, आपके पास जो इमेज स्कैनिंग है ये परफॉर्म की जाती है इंटरलेस पैटर्न पे। इंटरलेस पैटर्न ये जो अभी हम यहाँ पे मैंने जो राइट साइड है इस साइड पे एक फिगर डाली हुई है, ठीक है, इसमें आप देख देख सकते हैं कि इंटरलेस पैटर्न किस तरह का है। इसमें दो फील्ड्स होंगी आपके पास, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हमने पहले बात भी की थी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, ठीक है जी। और हर एक में क्योंकि टोटल 485 आप कह रहे हैं यहाँ पे लाइन होंगी, जो आपके पास एक फील्ड है वो 262.5 लाइंस का होगा, ठीक है। सो इसमें ये चीज है कि जो प्रीवियसली हमने बात की थी 525 लाइंस वाली, ठीक है, इसमें वो चीज आपके पास आ रही होगी 525 लाइंस इन टोटल। अच्छा, सो अब इसमें जो फील्ड है दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, सो ईच फील्ड इज ट्रांसमिटेड एट 1/60 यानी 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप इस फील्ड को ट्रांसमिट कर रहे होंगे, क्योंकि अब एट अ टाइम आपके पास दो स्कैनिंग फील्ड हैं, ठीक है ना। सो 1/30 से ये 1/60 पे चला जाएगा इसका स्कैन रेट, और ये आपके पास आपका जो फ्लिकर रेट है उससे एक्सीड कर जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जो पहली जो फील्ड है ये आपके पास स्टार्ट हो रही है यहाँ से और दूसरी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उससे पहले वाला जो आपके पास स्लाइड थी जिसमें मैंने कहा था आप नोट डाउन कर लें टाइमिंग, अब इसकी बारी आती है इस पर डिस्कशन की। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, ठीक है, ये वाली, इसे स्कैन करने में 53.5 माइक्रोसेकंड लगता है, ठीक है। ये जो आपकी यहाँ पे पल्स है वो जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज है उसकी ये ड्रॉ हुई है 53.5 माइक्रोसेकंड्स की। सो ये जो शॉर्ट आउट सिग्नल है ये वाला, ये आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे, और ये जो बीम है 10 माइक्रोसेकंड लगते हैं इसके टू मूव फ्रॉम वन लाइन टू द अदर, ठीक है।
यानी आप जैसे यहाँ से आ रहे होंगे यहाँ पे, तो अगेन यहाँ से जंप करके आपने क्या करना है, अगले उस पर भी जाना है यहाँ पे। इन बिटवीन ये जो टाइम लग रहा है यहाँ से जंप करने, यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करने में, ये 10 माइक्रो सेकेंड्स का। सो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, लेट मी शो यू, ये वाला जो वेव एसआर टू पंप का पार्ट है ये वो 10 माइक्रो सेकेंड्स है, ठीक है जी। अच्छा सो 10 माइक्रो सेकेंड आपके इस बीम को लग गए एक लाइन से दूसरी लाइन में मूव करने के, और इस इंटरवल के दौरान आप एक ब्लैंकिंग पल्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में आप स्कैन तो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या चीज शो हो रही होगी वहां पे? वहां पे एक्चुअली आप ब्लैंकिंग पल्स इंसर्ट कर देते हैं टू अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ ट्रेस लाइंस अक्रॉस द टीवी रिसीवर। अच्छा, एक 5 माइक्रो सेकेंड की पल्स भी यहाँ पे ऐड की जाती है, ठीक है, इस ब्लैंकिंग पल्स में ही, टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ऑरिजेंटल स्पीड। यानी रिसीवर पे जब आप उसे देख रहे होंगे आपको पता होना चाहिए एक लाइन से स्विच आप दूसरी लाइन पे कब कर रहे हैं, रिसीवर पे उसके अपोजिट काम हो रहा होगा ट्रांसमीटर के। सो यू नीड टू सिंक्रोनाइज योर रिसीवर। सो ये जो इस फिगर में आपको यहाँ पे ये जो 5 सेकेंड की पल्स नजर आ रही है, ये इस टोटल ब्लैंकिंग पल्स में जो 10 माइक्रो सेकेंड की ऐड की जाती है, ठीक है, फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पजेस, ठीक है जी। और इसी फिगर को अभी डिटेल में देखते हैं आगे। तो ये आपके पास क्या है, एक वीडियो सिग्नल है एक हॉरिजेंटल स्वीप के लिए। यहाँ पे ये ऊपर जितना ऊपर ये जाएगा उतना ब्लैक होगा, नीचे जितना होगा इसका मतलब सिग्नल का एम्पलीट्यूड, इसका मतलब है ये वाइट है। ये आपके पास रदर ये देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या जी, एक हॉरिजेंटल लाइन है वीडियो की, है उसके डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल्स इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, क्या ब्राइटनेस लेवल है, ब्लैक कितना, वाइट कितना। और ये आपके पास ब्लैंकिंग पल्स, ये ब्लैंकिंग पल्स आ गई, और ये जो 5 माइक्रो सेकेंड वाली जो आपने इधर वेव फॉर्म डाली है, दिस इज टू हॉरिजॉन्टली सिंक द रिसीवर, ठीक है, सिंकिंग पल्स आ गई आपके पास, ठीक है, ब्लैंकिंग पल्स की टोटल ड्यूरेशन ये है, ये पल्स आ गई टू स्कैन अ सिंगल लाइन, इतनी ड्यूरेशन की होती है वो। सो नाउ आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ वन इंटरलेस फील्ड, जो आपके पास वर्टिकल सॉटूथ सिग्नल वेव है अप्लाइड टू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इज रीसेट टू जीरो। वो जो पिछली एक आपके पास एक तो देख ली ना हमने, जो 53.5 और 5 माइक्रो सेकेंड वाली 10 माइक्रो सेकेंड वाली सॉटूथ थी। अब उससे जो नीचे वाली थोड़ी लंबी वाली जो आपके पास है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, जो पिछली स्लाइड पे भी थी और उससे पीछे भी थी वेव फॉर्म। सो जो रिट्रेस इंटरवल है वो 1.27 मिली सेकेंड्स का, और इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 20 लाइन स्कैन, ठीक है जी, एंड इट अलाउज द बीम टू मूव फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द पिक्चर, ठीक है जी। पिक्चर को आपने स्कैन किया, ठीक है, इस पैटर्न में बॉटम पे है, अब एक फ्रेम यहाँ पे खत्म हो गई, तो अगेन यू ऑब्वियसली नीड टू गो हेयर, ठीक है, स्टार्ट फॉर स्कैनिंग फॉर द नेक्स्ट फ्रेम, ये इसकी बात हो रही है। अब व्हेन वी अलाउ फॉर द वर्टिकल रिट्रेस, ये दो एक फ्रेम में दो दफा होता, तो जो एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट है हॉरिजॉन्टल लाइंस की ये 485 आ जाती है, ठीक है जी। और आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ वन इंटरलेस फाइल द वर्टिकल वन इंटरलेस फील्ड द वर्टिकल सॉटूथ सिग्नल वेवफॉर्म अप्लाइड टू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स इज रीसेट टू जीरो, ठीक है, जो वर्टिकल प्लेट्स को आपने दी थी वेवफॉर्म उसे दोबारा रीसेट किया जाता है टू जीरो, और जो रिट्रेस इंटरवल है 1.2 मिली सेकेंड्स का, इट इज इक्वलेंट टू स्कैनिंग 20 लाइन्स। सो दिस अलाउज द बीम टू मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द पिक्चर, और अ वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स इज इंसर्टेड अगेन ड्यूरिंग एंड इंटरवल टू अवॉइड अपीयरेंस ऑफ रिट्रेस लाइन्स। और
when we allowed the vertical retrace twice per frame, the actual number of horizontal lines in the image is 485. अच्छा, अब इसकी bandwidth video signal की क्या है? ये हम estimate कर सकते हैं by viewing the image as an as a rectangular array of 485 rows and 485 cross 4 by 3 columns. ये 4 by 3 आपका aspect ratio है, ठीक है? So this thing gives us this much, 313,633 picture elements per frame, and pixels भी कह सकते हैं, which are transmitted at the rate of 1/30 per second, ठीक है? और 1/30 again, क्योंकि two patterns होते हैं, so overall combined करके 1/60 हो जाएगा, but overall 1/30 seconds पे ही वो चीज रहेगी. Now this is equivalent to a sampling rate of 10.5 megahertz, ठीक है जी? ये आपके पास जो sampling rate इससे आप ले रहे हैं, that is equal to 10.5 megahertz, which can represent a signal as large as 5.25 megahertz. A simple Nyquist criteria, ठीक है? You can you know, sampling frequency के half जितनी frequency आप actually process कर सकते हैं, so 5.25 megahertz is the half of exact half of 10.5 megahertz, जो आपके पास sampling rate है. So जो आपके पास bandwidth है video signal की, it is less than 5.25 megahertz, ठीक है जी? जो commercial TV अलबत्ता उसमें जो आपके पास bandwidth है video signal की, it is limited to 4.2 megahertz. और this is the reason के आपके पास ये इसकी बात हम करते हैं. अब क्योंकि जो commercial bandwidth allocate हुई है वो तो 6 megahertz ही है, ठीक है? तो इसका मतलब है double sideband transmission possible नहीं है. वो उसमें तो आपके पास फिर you know, आपके पास जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4.2 megahertz आप video signal के लिए use कर रहे हैं. 4.2 megahertz video signal के लिए, total 6 megahertz पड़ी हुई आपके पास. डबल साइड बैंड करेंगे 8.4 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए होगी, व्हिच इज नॉट अवेलेबल. सो द लार्ज लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द वीडियो सिग्नल्स आल्सो रूल्स आउट सिंगल साइड बैंड. सिंगल साइड बैंड में अगेन हमने देखा था कैसे हम लो फ्रीक्वेंसीज इशू बनती हैं बिकॉज़ ऑफ दैट कट ऑफ फिल्टर. सो पीछे आपके पास बची वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है? सो यहां पे आप वेस्टिजियल साइड बैंड यूज करते हैं. Rather, ये एक only possible alternate. So, by transmitting a large carrier component, the receiver received VSD signal can be simply demodulated by an envelope detector. यानी VSB के साथ आप एक अपना transmitter carrier भी आप भेज रखते हैं. और obvious, इसका हमने obvious जो outcomes थी कैरियर भेजने की, हमने देखी थी पहले कि आपके पास जो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो बड़ा आसान हो जाता है. उसमें आपको फेज लॉग ट्यूब्स एंड उस तरह की चीजें नहीं चाहिए होती, ठीक है? इंस्टेड यू यूज ओनली अ कैरियर फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन. सो दिस इज द स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, ठीक है? सो दिस इज द टोटल अवेलेबल thing. ये आपके पास वीडियो स्पेक्ट्रम आ गया, और ये आपके पास ऑडियो सिग्नल के लिए आ गई बैंडविड्थ, ठीक है? ये सिग्नल आ गया. सो इन टोटल यू हैव 6 मेगाहर्ट्ज. वेस्टिजियल साइड बैंड यूज करेंगे, सो कुछ पार्ट आप रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? ये वाला पार्ट आप वीडियो के लिए ऑलमोस्ट आपका यूज हो जाएगा. और सो लेट्स have a look at it. So in total आपके पास ये चीज तकरीबन use हो रही होगी. अलबत्ता available bandwidth is 6 megahertz. So let's see. So जितनी भी frequencies हैं below FC minus 1.25, FC minus 1.25 यानी ये वाली जो part हो गया, ठीक है? यहाँ से नीचे वाला are blocked, ठीक है? So basically FC minus 1.25 ये हो गया, इससे नीचे वाली frequencies होगी block, ठीक है?
और जो आपके पास वेस्टिजियल साइड बैंड की स्पेक्ट्रल शेपिंग है, ये परफॉर्म होती है आईएफ एम्पलीफायर रिसीवर का, जो आईएफ एम्पलीफायर है उस स्टेज पे, ठीक है। वीडियो सिग्नल के साथ साथ आते हैं ऑडियो भी तो भेजना है, ठीक है। सो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास होगा, जो कैरियर है, जो आपके पास वॉयस है, वो एक एफएम से आप मॉड्यूलेट करेंगे एट एफसी प्लस 4.5 मेगाहर्ट्ज़, उसका कैरियर होगा एफएम का। और जो ऑडियो सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ आप लिमिट करेंगे टू 10 किलोहर्ट्ज़। सो फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपके पास जो एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो आ जाएगी 25 किलोहर्ट्ज़ की, और एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ टोटल आ जाएगी 70 किलोहर्ट्ज़। सो जो टोटल चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है टू ट्रांसमिट अ वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल इट इज 5.785 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है जी। अब आगे हम ट्रांसमीटर की ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे नेक्स्ट उस पर। सो ये एक हेटरोड, ओके, रिसीवर की भी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे विच इज गोइंग टू बी अ हेटरोडाइन रिसीवर अगेन। सेपरेट टीनर्स होंगे, एक यूएचएफ बैंड के लिए होगा, एक वीएचएफ बैंड के लिए होगा। पीछे हमने बैंड्स की बात की थी। तो जो टीवी सिग्नल है यूएचएफ बैंड में, दे आर ब्रॉट डाउन, जब आप यूएचएफ रिसीव कर लेंगे उसके बाद उसे आप वीएचएफ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक यूएचएफ मिक्सर से। इसकी वजह से आप एक कॉमन आरएफ एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूएचएफ से जो आप डाउन कन्वर्ट करते हैं अपने सिग्नल को वीएचएफ में रिसीवर एंड पे, सो यू कैन यूज अ कॉमन आरएफ एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन। और देन द वीडियो सिग्नल सिलेक्टेड बाय द ट्यूनर इज ट्रांसलेटेड टू अ कॉमन आईएफ फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 41 टू 47 मेगाहर्ट्ज़, द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज है फॉर दिस टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट, वो 41 टू 47 मेगाहर्ट्ज़ है। और जो आईएफ एम्पलीफायर है ये आपके पास वेस्टिजियल साइड बैंड की शेपिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, जो आउटपुट है आपके पास आईएफ एम्पलीफायर की, इसे एनवलप डिटेक्टर से गुजारा जाता है टू प्रोड्यूस द बेस बैंड सिग्नल। जो आपके पास ऑडियो पोर्शन है सिग्नल का, इट इज फिल्टर्ड आउट बाय एन आईएफ फिल्टर एम्पलीफायर, और एफ एम डी मॉड्यूलेटर से इसे पास करेंगे टू डी मॉड्यूलेट योर ऑडियो, ठीक है जी। और जो वीडियो कंपोनेंट है आपके पास बेसमेंट सिग्नल का, इट इज पास थ्रू अ वीडियो एम्पलीफायर, जो आपके पास 0 से 4.2 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, ठीक है। और इसकी आउटपुट जो है इट इज पास थ्रू टू द डीसी रिस्टोरर, जो आपके पास क्लैम्प कर देगा ब्लैंकिंग पल्स जो आपने डाली थी, और करेक्ट उसमें जो भी डीसी लेवल है वो इंसर्ट कर लेगा। और उसके बाद जो डीसी रिस्टोर्ड वीडियो सिग्नल है इट इज देन फेड टू द पिक्चर ट्यूब, ठीक है। और जो सिंक्रोनाइजेशन पल्सेज हैं रिसीव्ड सिग्नल में, वो सेपरेट की जाती हैं और अप्लाई की जाती हैं आपकी अगेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्वीप जनरेटर्स की, यहाँ से वो उन्हें आप इलादा कर लेते हैं और पिक्चर जनरेशन की। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ टीवी ट्रांसमीटर, कैमरा है इस पे, सारी वो पल्सेस वाला काम यहीं पे हो रहा होगा। एम्पलीफायर है वीडियो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है वीएसबी, ऑब्वियसली एएम, पहले आप डबल साइड बैंड आ जाएगा यहाँ से, और उसके बाद आप उसे पार्शियल वीएसबी फिल्टर से गुजारते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑडियो सेक्शन आ गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, और एडिशन एंड पावर एम्पलीफायर एंड देन यू ट्रांसमिटेड। रिसीवर साइड पे अगेन हमने पहले बात कर ली हुई है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज मोबाइल वायरलेस टेलीफोन सिस्टम। सो आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक के पास सेलफोन है, गाड़ी में है, यू नो ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, हर एक के पास सेलफोन है, आपके पास IoTs आ रही हैं, हर ये चीज़ें सारी आ रही हैं। सो ये बेस आपके पास इनिशियल इसी सेटअप पे कर रही हैं। अच्छा, एक जो मेजर प्रॉब्लम है था विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम, यानी जो आपके पास रेडियो स्पेक्ट्रम है काफ़ी ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड है। सो
उसमें कौन सी वाली चीज, कौन से वाला जो स्पेक्ट्रम है वाला क्रिएट किया जाए, किस स्पेक्ट्रम का कौन सा पोर्शन। सो रेडियो टेलीफोन की केस में जो एफसीसी है यूएस में, उसने कहा जी यूएचएफ फ्रीक्वेंसी बैंड में उसने लोकेट की फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 806 टू 890 मेगाहर्ट्ज फॉर दिस पर्पस, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट्स इसी तरह की यूएचएफ में ही यूरोप और जापान में भी लोकेट हुई। जो आपके पास सेलुलर रेडियो का कॉन्सेप्ट है वो ये अडॉप्ट क्यों हुआ, ये अडॉप्ट हुआ टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी ये वाला फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम, स्पेशली जहाँ पे आपके पास अर्बन एरियाज में जहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा, और हेंस जो आपके पास मोबाइल टेलीफोन सर्विस है उसकी जो डिमांड है वो भी ऐसे एरियाज में, अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, अब एक वायरलेस टेलीफोन सिस्टम में जो जियोग्राफिक एरिया है वो आप डिवाइड करते हैं छोटे रीजन्स में, इस एक रीजन को आप कहते हैं सेल, ठीक है, और हर एक सेल में आपके पास एक बेस स्टेशन होता है। ये जिस तरह आपके पास ये फोन टावर्स हैं, एक फोन टावर इज अ बेस स्टेशन, ठीक है, और ये एक सर्टेन एरिया कवर कर रहा होगा अराउंड इट। सो एक कंपनी के मल्टीपल इस तरह की आप देखेंगे आपके पास जो बेस स्टेशन हैं वो लगे होते हैं विद इन अ सिटी विद इन अ सर्टेन एरिया। सो ईच ऑफ दिस फॉर्म्स अ सेल, ठीक है, यानी एक सिग्नल कवरेज एरिया होगा अराउंड इट व्हिच इज नोन एज अ सेल, और यू कैन मैप इट जियोग्राफिकली आल्सो, ठीक है। जनरली ये जो सेल होता है इसकी शेप हम कहते हैं एज अ हेक्सागोन लेते हैं, ठीक है, फॉर थ्योरेटिकल एनालिसिस, ठीक है, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इट्स नॉट एन हेक्सागोन, बट हेक्सागोन गिव्स यू कंप्लीट यू नो कवरेज एरिया आपके पास, उसे आप बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। हेक्सागॉन्स कैन कवर जियोग्राफिकली, अगर आप हेक्सागॉन्स स्टैकअप करते जाएं, ठीक है, तो यू विल सी के सारा जो जियोग्राफी जो वो जो भी एरिया है वो सारा कवर हो सकता है बड़ी इजीली। सो एनी हाउ, और इट इज द क्लोजेस्ट फॉर्म, यानी स्क्वायर से ज्यादा ये सर्कल के करीब है। सो एनी हाउ यू विल स्टडी इट इन योर मोबाइल कम्युनिकेशंस कोर्स इन डिटेल। अच्छा, सो लेट्स सी द थिंग। अच्छा, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल ये आ गया, एक सेल ये आ गया, एंड सो ऑन। ये आपके पास बेस स्टेशन हैं, ये जो टावर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो एक बेस स्टेशन आपके पास एक टावर कवर कर रहा होगा। तो जो सो लेट्स सो हर जो जितने भी आपके पास बेस स्टेशन है ये कनेक्टेड होंगे टू योर मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, और देन दिस इज कनेक्टेड थ्रू मे बी ऑप्टिकल फाइबर टू अ टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस, ठीक है जी। अच्छा, सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास हर जो बेस स्टेशन है एक सेल में होगा, ठीक है, और ये बेस स्टेशन राउट करते हैं कॉल को थ्रू द एमटीएसओ टू अनदर बेस स्टेशन। ये बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन एक्चुअली आपकी अगर लट से एक ही बेस स्टेशन में भी हैं दो यूजर्स, बेसिकली आपकी कॉल पहले एमटीएसओ को जा रही होगी देन बैक टू द बेस स्टेशन, ठीक है, और अगर लट से आपके पास कॉल जो है वो मोबाइल फोन पे नहीं हो रही तो देन ये एमटीएसओ से आप आगे जा सकते हैं लैंडलाइन पे, अगर आपके पास हो रही है तो आपके पास सेंट्रल ऑफिस या जो भी टेरेस्ट्रियल टेलीफोन नेटवर्क है उस पे आपके पास ये चीज आपकी कॉल भेजी जाएगी एमटीएसओ से, ठीक है, लैंडलाइन वगैरह पे अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं। आपके पास जो मोबाइल टेलीफोन है इट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स टेलीफोन नंबर एंड टेलीफोन सीरियल नंबर, ठीक है, वो आपके पास एक मैन्युफैक्चरर का प्री है वो IMEI नंबर इसे आप कहते हैं, ठीक है। सो ये जो नंबर है ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट किए जाते हैं टू द एमटीएसओ ड्यूरिंग एंड जब भी आप एक कॉल इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है।
for authentication purposes and billing purposes. Or then mobile call जब आप place करते हैं उसका procedure क्या होगा कि जो आपके पास मोबाइल यूजर है जब वो इनिशिएट करेगा एक कॉल तो MTSO चेक करेगा ऑथेंटिकेशन मोबाइल यूजर की और उसे एक फ्रीक्वेंसी असाइन कर देगा फ्रीक्वेंसी चैनल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ठीक है वॉइस सिग्नल की अब और ये रेडियो चैनल लोकेट होगा फ्रॉम मोबाइल टू द बेस स्टेशन ठीक है अब ये जो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट है ये भेजी जाती है आपके मोबाइल फोन को भी ठीक है एक सुपरवाइजरी कंट्रोल चैनल एग्जिस्ट करता है आपके बेस स्टेशन और मोबाइल के दरमियान ये उस चैनल पे भेजी जाती है एक दूसरी फ्रीक्वेंसी असाइन होती है फॉर द रेडियो ट्रांसमिशन फ्रॉम द बेस स्टेशन टू द मोबाइल यूजर एक मोबाइल यूजर टू बेस स्टेशन एक बेस स्टेशन टू मोबाइल यूजर ठीक है ये जो साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन है इसके इस पर हमने बात की थी इसे आप कहते हैं फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन अब ये जो MTS हुआ है ये सेंट्रल ऑफिस से इंटरफेस हुआ होता है ठीक है और जितनी भी टेलीफोन कम्युनिकेशन है MTSO और टेलीफोन नेटवर्क के दरमियान ये जनरली वाइड बैंड ट्रंक लाइंस ये जनरली मैंने आपको बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स यूज हुई होती है जनरली ठीक है नॉट नेसेसरली बट जनरली सो जैसे ही आपके पास टेलीफोन कॉल कंप्लीट हो गई दो पार्टीज ने जैसे ही वो कॉल एंड कर दी तो आपके पास रेडियो चैनल अवेलेबल होगा फॉर अदर यूजर ठीक है जो आपने ऑक्यूपाई किया था अब इस फोन कॉल के दौरान लट से आप जब फोन पे बात कर रहे होते हैं कभी आप गाड़ी में होते हैं कभी पैदल चल रहे होते हैं तो लाजमी नहीं है कि आप एक ही सेल में रहें चलते चलते ठीक है आप स्विच करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड सो ऑन सो ये जो MTS हो इसलिए ये मॉनिटर कर रहा होगा सिग्नल स्ट्रेंथ ठीक है जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसकी अगर आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप हो जाती है एक सर्टन प्रीसेट थ्रेशोल्ड होता है उससे तो जो MTSO है वो कहता है जी आपके पास जो इसका मतलब ये हो गया कि मोबाइल MTSO को ये समझ आ जाती है कि आपका जो यूजर है ये एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है ठीक है अब कौन से सेल में जा रहा है ये कैसे पता लगेगा ये आपके पास सारे जितने बेस स्टेशन हैं ठीक है वो डेटा सेंड कर रहे होते हैं MTSO को ठीक है सो MTSO देखता है किस से जो रिसीव जो सिग्नल स्ट्रेंथ है किसकी ज्यादा आ रही है ठीक है तो वो ऑटोमेटिकली इसे स्विच ऑफ कर देगा ठीक है सो हैंड ऑफ हो जाएगा यहाँ पे और आपका बेस स्टेशन बदल जाएगा अब ये जो प्रोसेस है ये आपको जो यूजर होता है एंड उसके लिए सीमलेस होता है उसे नहीं पता लग रहा होता कि स्विचिंग हो रही है या क्या हो रहा है ना कॉल ड्रॉप होती है ठीक है जनरली तो जब आप एक साल से दूसरे में जाते हैं MTSO आपका जो भी हैंड ओवर है वो हो जाएगा और जो आपके सेल है वो एक साल से दूसरे में हो जाएगा ठीक है जी अच्छा एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन जो आपकी वॉइस बैंड की होती है रेडियो पे ठीक है बिटवीन बेस स्टेशन एंड मोबाइल यूजर 3 kHz की वो बैंडविड्थ होगी आपके पास इसे सेंड किया जाता है वाया FM यूजिंग अ चैनल बैंडविड्थ ऑफ 30 kHz ठीक है जी ये पुराने जमाने की फोन लाइन थी अभी GSM की बात थोड़ी डिफरेंट है सो दिस मीन्स अ बैंडविड्थ ऑफ ऑलमोस्ट अ फैक्टर ऑफ 10 ठीक है जी वो FM वाली कहानी देखें अगर पिछले वीक में जो हमने की थी तो 3 kHz का सिग्नल है 30 kHz बैंडविड्थ कर रहे हैं 10 times ऑलमोस्ट आप ज्यादा बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं सो इतनी ज्यादा बैंडविड्थ हम क्यों यूज करते हैं टू ऑब्टेन अ सफिशिएंटली लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो सो दैट आपके पास जो नॉइज है वो इतनी ज्यादा अफेक्ट ना करे और एक्चुअली जो ट्रांसमिटेड पावर है वो भी लिमिटेड होती है सो दैट्स व्हाई अब FM में 10 टाइम्स क्योंकि आप ज्यादा बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं सो वी नो कि FM इज हाईली वेस्टफुल फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अब जो नई जनरेशन है GSM एंड ऑनवर्ड्स इसमें जो आपके पास सेलुलर टेलीफोन सिस्टम हैं ये डिजिटल ट्रांसमिशन यूज करते हैं ठीक है कंप्रेस स्पीच एंड सो ऑन और लीनियर प्रेडिक्टिव एनकोडिंग एक चीज होती है जो टाइम मिला तो
देखेंगे ऐसी बुक में, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ लीजिएगा चैप्टर 12 में। और नए जो आपके पास सेल्युलर टेलीफोन सिस्टम्स हैं, दे कैन अकोमोडेट अप टू 4 to 10 fold मोर ट्रैफिक, ठीक है। सो द सेल्युलर रेडियो टेलीफोन सिस्टम इज डिजाइंड सच दैट ट्रांसमिटर पावर जो है आपके पास बेस स्टेशन और मोबाइल यूजर की, ये कम हो, ठीक है। जनरली जो आपके पास ट्रांसमिट हो रही होती है बेस स्टेशन से मोबाइल को, ये 35 वाट से उससे कम होती है, और जो आपका मोबाइल ट्रांसमिट कर रहा होता है इट्स 3 वाट्स और लेस देन दैट, ठीक है जी। अब जब आप कम पावर यूज करेंगे इसका फायदा क्या होगा, आप देखें आपके पास जो चैनल जो एलोकेट हुआ हुआ था वो फ्रीक्वेंसीज तो काफी कम बैंड था उसका बैंडविड्थ, जो एफसीसी वाली कहानी हमने पहले देखी थी 800 मेगाहर्ट्ज यूएचएफ वाले बैंड में। सो ये जो सेल वाला कॉन्सेप्ट है ये इस चीज में बड़ा हेल्पफुल है कि आप अपनी वही फ्रीक्वेंसीज जो एक सेल को एलोकेट की हुई है, एक दो सेल छोड़ के दोबारा वही फ्रीक्वेंसीज अपने उस सेल में भी बेस स्टेशन को एलोकेट कर लें, ठीक है। अब ज्यादा पावर आप भेजेंगे तो मसला क्या होगा, ज्यादा पावर भेजने से आपका इंटरफेरेंस आएगा बिटवीन दी सेल्स, तो इसलिए आप पावर अपनी लिमिट करते हैं ताकि आप वो फ्रीक्वेंसी दोबारा रीयूज कर सकें, ठीक है ना। और रीयूज आप क्यों करते हैं, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। सो और सेकंडली वी कैन आल्सो कवर अ वेरी लार्ज एरिया, ठीक है। आप एक ही बेस स्टेशन लगा लें यहाँ से पूरे अहमदाबाद या पूरे इस्लामाबाद जिसके लिए पूरा एक ही बेस स्टेशन लगा लें, ठीक है। नुकसान उसका क्या होगा, बट टेक्निकलिटीज टेक्निकल इश्यूज इसमें क्या आएंगे, अगेन एक तो ट्रैफिक वाला आएगा, ठीक है, कि आप उतनी ट्रैफिक सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरी आपके पास जो सेल फोन्स हैं वो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेंगे, उसका मसला क्या आएगा कि आपके पास बैटरी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्पेसिफिकली अर्बन एरिया, स्पेसिफिकली जहाँ पे आपके पास हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह हों, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे ये चीज़ फ्लॉप हो जाएगी। दैट्स वाई यू प्रेफर स्मॉल साइज सेल्स ताकि आप फ्रीक्वेंसी री यूज कर सकें, ठीक है जी। और देन नए जो ट्रेंड्स हैं इसमें आप देखें 4G 5G, इसमें आपकी ये चीज़ कॉन्सेप्ट मजीद ग्रैनुलर होता जा रहा है और नई नई चीज़ें आ रही हैं, IoT का नाम सुना होगा एंड सो ऑन। सो टेक्नोलॉजी ये जो हमारी डिस्कशन हुई है इससे काफ़ी ऊपर चली गई है, इसकी बेसिक्स यही है। डिटेल्स आप मोबाइल कम्युनिकेशन का जो भी कोर्स पढ़ेंगे उसमें आप इसकी देख लेंगे, ठीक है। सो यू कैन चेक द समरी एंड फर्दर रीडिंग एट वी हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक, वहाँ से आप देख सकते हैं जी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, दिस लेक्चर ये आप ये वाला जो लेक्चर है आपने दो पार्ट्स में सुना, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज 2 लेक्चर्स नॉट 1, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।